दड़ा दड़ी का यहाँ बम आता यहाँ गोलियां चालती जो दूध का पेड़ा में दूध झरते मतलब अंग्रेज सिगरेट बिगड़ी पीता तो बिनी मसल देता भाई पीले नहीं अपना देश आजाद होगा जवानों और वो आजाद मुंह उठ गया। बासी भोजन देते थे, कभी भूखे रख देते और काफी कोड़े उनको मारते थे। राम राम जी, मैं खुशबू झलको सिकर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आपा दंतारामगढ़ तहसील के अंदर भारीजा गांव आवा है, बड़े आपा पहुंचे हैं और की का घर पहुंचे है वो बता दें। भोजराज सिंह का घर आपा पहुंचे हैं, अभी फिलहाल बात कर लें तो भोजराज जी तो ई दुनिया में कौन रही है, काफी पहले ही शहीद होगा बे। और बतावा की बाकी जो कहानी है बा बताऊंगा के बाकी है की कहानी है तो थे भी देख ही बात थारा भी रोंगटा ही बे एक तरीका खड़े हो जाएगा। जै बात कर लें तो भोजराज सिंह का घर आपा पहुंचे हाँ, बा का बेटा अपने साथ में ही जी। हाँ जी, मैं तो जन्मया बनिया पहली भाई, पहली कहता भाई माँ अंग्रेजा की फौज में भर्ती हुई हो पर सुभाष चंद्र बोस वो आपकी फौज खड़ी करी क्योंकि भाई देश आजाद कर चलो तो आप फौज करा बिन छोड़ भाई अंग्रेजा की फौज ने छोड़ सुभाष चंद्र के साथ फौज में हो गया पर भाई लड़ाया लड़ी बहुत मन गाँव को देखो मैं तो अनपढ़ हूँ ठाको नहीं पर लड़ाया बहुत लड़ी लड़ाया दर्दी का यहाँ बम आता यहाँ गोलियां चालती जो दूध का पेड़ा में दूध झरते मतलब अति भयंकर जो कोई मोर्चा मर तो मारा लात की ठोक तो वो मर जाते हो कराए वो मर जाते हो कराए कुआ में कूद जाता यहाँ कराए चावल बांट मतलब भाई का खसियाँ तो जी टाइम बम आता कुआम लटक जाता मतलब जान बचा भाई का तर मतलब अंग्रेज सिगरेट बिगड़ी पीता तो बिनी मसल देता भाई पीले नहीं मतलब बहुत तकलीफ दी का मान है। बी के बाद में आया तो बन कोई ठापा क्या भाई पस मना था हमने दिल्ली अठली आया दिल्ली मन जेल में रखा फिर बन के बाद में देश जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री बने हो जरा पस बन अठे दिल्ली लाया गया दिल्ली लिया बन फिर हमने दिल्ली भी जेल में रखा पस मन अटू विवाह कर दिया भाई का मतलब दोस्त दुराई थोड़ा ही है तो एक देश की कातल लड़िया है जरा मन अटे पस रेन वाल तक टिकट दे दी डाडा बद गया जुआ पड़ रही ही वह मतलब बहुत बुरी दशा है गांव का पिछड़ा भी कोनी सात वर्षों आया तो मैंने मैं तो गांव का मैं कहीं गांव का मर्योड़ा ही समझा मारी बाबू ही जी की नांदरे रहती अठे कौन कौन रहती माता जी बैठे राग तो अठे कौन राग तो मैं कहा छह महीना का कहीं एक महीना की भाई माँ खत्म होगी बीका बाद में मांगा पिताजी खत्म हो गया जब मैंने राखो कौन हो मैं तो बाद में आर पच बार गांव का पच फिछड़ा हुआ नहीं मैंने सीधा माता जी को मंदिर है मांगो बैठे गया यार मैं कि रिश्ता भारीजा का अंदर माता जी को मंदिर है बैठे गया हां बैठे सीधा बैठे गया वे बैठे बस बाकी यार याद कर मतलब माता जी ने याद कर तो भाई ये माता जी बचाओ बचो अब यहाँ कहना मन में बातें सुना बोर था मैं तो बताता भाई बेटा यहाँ लड़ाया होती है बहुत दुख पाया रहा शायद दुख पाया पूछो मत मतलब न्याम जाता जो क्या माता जी ने याद करता छतीम बछड़ा कहता ये महाराज मन पार कर मतलब बहुत तकलीफ आई रहा है। बी के बाद में फिर वे अपने राजपूत राइफल में भी भर्ती गया पचार जो देश आजाद जो नहीं बी के बाद में भर्ती आ गए अच्छा भाई उम्र ज्यादा होगी जब पेंशन तो मिली वो नहीं हम पेंसिल बठो मिली सुखा खाद्या सुखाया इंदिरा गांधी जी जरूर बन की पेंसिल और फिर राजस्थान सरकार करी कतिक पेंशन करी इंदिरा गांधी जी जी टाइम कोई मारमन का कोई 75 इतना रुपया करियो यो तांबा पत्र है यो की का द्वारा दियो गयो है भोजराज सिंह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी दियो। अच्छा प्रधान जब इंदिरा गांधी जी को जब राज हो प्रधानमंत्री जी हा हाँ। बी टाइम को ये थर पिताजी ने दियोड़ो है भोजराज सिंह हाँ। भोजराज सिंह जी हाँ बाकी 1% भी आप बात कर ले तो गाँव में इतनी रिस्पेक्ट है पर बाको काम है बाको परिवार है बान 1% भी लाभ कौन मिल रहे परिवार है वो दर दर भटक रहे एक फौजी को जो अंग्रेजा के साथ लड़ाई लड़ी ही सुभाष चंद्र की जो फौज ही बी कमान लड़ाई लड़ी ही और बाद में भी आने कुछ सपोर्ट है बहुत मिल रहा और तो छोड़ो कोई सपोर्ट की तो दूर की बात है कमो कम जो बाकी मूर्ति वह है शहीद की जो मूर्ति बनाई जा है बाबी को नहीं बनाई गई भोजराज सिंह जी हाँ बाने 200 रुपया का लगभग पेंशन है बा मिलिया करती और यह देख सको कि पहले की जो पासबुक होया करती बा की पासबुक होती बैंक की मान लो ये बैंक की पासबुक है 25 साल हो गया मैं खुद बारे सोची भाई कलेक्टर साहब ने कौन कहते अपने तहसीलदार जी ने कहते तो वह आता दाग संस्कार में पर मैं अनपढ़ आता जाना भी कौन नहीं आया कराया सुना भाई का मतलब सतना छिन्ना नहीं का दाग में कलेक्टर या तहसीलदार जरूर आवे
पर जखा को पिताजी मर जा वो कुन न के अपने बंदा भी आए भाई पच पच लोग क्यों अरे आज बोडी डार देता तो सब कलेक्टर साहब भी आता और कलेक्टर साहब 26 जनवरी 15 अगस्त का जाता है बुलाता लेटर आता वहाँ को कार्ड भाई आपकी इस जगह सीट खाली है के लाभ का जो कागज आएगा ही के गवर्नमेंट का द्वारा वहाँ कागज की बने और खाली एक तो मुरबा को मुरबो कठे मिले हो बीकानेर पास ही हो भैरू सिंह जी के टाइम में अच्छा अच्छा जब अब टाइम खत्म हो गया जब मैं कोशिश करी को नहीं पर मैं आगे ध्यान के गरबा ला गया इन विचार करी को नहीं पर मैं तो पाचा सोचो के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी साहब आया नहीं जरा भाई का स्वतंत्रता सेनानियों को और फौजियों को और यहाँ काम हो रही है तो मैं अपने कागज चलावा जबकि मैंने कोई कम से कम 20-25 हर मिनिस्टर ने हर महकमा मंदिर रजिस्ट्रेशन करा रही हूँ अभी और तो कटे जाओ और मैं आगे रसीदा भी पड़ी है सबकी कागज आया प्रधानमंत्री का आया राष्ट्रपति का भी आया उपराष्ट्रपति को भी लेटर पत्र आयो जवाब आये है माकन भी आये है वे जेपर भी दिए है के जवाब आयो तो लेटर में अब लेटर मतलब साहब लेटर पढ़िया माकन मतलब जानूंगा नहीं पढ़ो तो पढ़े ही सामने वो तो मान्य भी है पर कुछ तो मैं लिखी भाई के इनकी कार्रवाई करी जाए क्यों नहीं करी जाए मुख्यमंत्री को लेटर आया भाई कार्रवाई हुई जाए अब कागजा ने कलेक्टर साहब भी क्यों का आपका काम होगा अब होगा कब वो तो यहाँ उठाएगा नहीं की को नहीं मगा आपने बताओ मैं तो आज भाई मूर्ति कोई ताको ना स्कूल का एक नई स्कूल बन रही है सरकारी स्कूल में भाई अब मैं नाव जाए तो चलो वो नाव जाए मैं तो ये खुशियाँ भाई गांव का भी खुशी है पूरा गांव एक साथ उड़े के भाई अगर नाव स्कूल में होना चाहिए अच्छा भोजराज सिंह हाँ हाँ भोजराज सिंह का नाव स्कूल खुलनी चाहिए पूरा साइन कर दिया गाँव का भूतपूर्व सरपंच है चार बार साइन कर दिया के भाई आ स्कूल भोजराज सिंह का नाम होनी चाहिए सरपंच जी ही बाको को तो के सपोर्ट था बस सपोर्ट बे कैसा मैं एनओसी को दे एनओसी मांगी बस ये परो कागज आयो बे के एनओसी दियो तो सरपंच ने एनओसी में मना कर दियो जद सरपंच का वो पति बवर लाल अच्छा वो बता कर दियो सरपंच अनपढ़ है मान लो अब नहीं दे एनओसी ना काई करा मतलब दिक्कत में दियो भाई ये मेरा पिताजी है स्वतंत्रता सेनानी इनकी आप कार्रवाई आगे भेजो सब मैं रजिस्ट्री से करवा तैयार बैठे हूँ तो सरपंच का कह रहे पति नट है कम मैं उन्हें सिखों दे सकूँ और भी टाइम पर सुभाष जी की भी कोई बात बताया करता है बताई कि सुभाष चंद्र बोस माखन कन्नू हवाई जहाज में उड्यो बन अंग्रेज बिन मतलब आ क्या भाई अंग्रेज भाई मन पकड़ ले नहीं मतलब बेइज्जती नहीं हो जा जहाँ का माना कह रही हो कि अपना देश आजाद होगा जवानों और हवाई जहाज में उड़ गया के बाद में कोई मान्य पत्तो बतो अंग्रेजा के साथ लड़ाई लड़ी है जग, हाँ। सोचो कि पास पास में डंगू अंग्रेज माने खानों को नहीं खाने देता हाँ खानों को नहीं मैं कहता रोटी को नहीं देता माने मतलब ये चावल की खबा देता है को नहीं बहुत बहुत बुरी दशा करी पर करा गाय पर देश ना आजाद की खातर में बट नौकरी भाई गोला चलाई गोला खाई और ताऊ जी आज आपने देश आजाद नहीं होता तो आप अफसरीम के ब्रो बोल भी ना पाता हाँ कौन बोल सकता सा पर अब कहा बताओ तो कोई की को फायदो की मिले। अभी अपने साथ में भूतपूर्व सरपंच जी ही बातचीत करा राम राम सा मेरा नाम राजेंद्र सिंह भारीजा है हमारे गांव में भोजराज सिंह जी थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे बुजुर्गों से ये सुनते हैं उन्होंने 1941 में वो भर्ती हुए थे भर्ती होकर उनको जापान भेज दिया गया था वहाँ वो सेना में थे वहाँ से सुभाष चंद्र बोस को रेडियो प्रशासन से सुन के उनके भाषण से प्रभावित होकर और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए और अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्होंने अपनी लड़ाई चालू कर दी और काफ़ी यातनाएं सही रंगून जेल में रहे वहाँ से फिर उनको 7 साल तक वो जेल में रखी काफ़ी यातनाएं थी खाने पीने की पूरी बासी भोजन देते थे कभी भूखे रखते थे और काफ़ी कोड़े उनको मारते थे मैं छोटा था उस समय उनसे खुद से सुनाऊं उनकी जो कहानी थी वो आप बताते थे वो हरदम वो बुजुर्ग थे और उस समय वो राम राम ही करते रहते थे कभी मिलते राम राम करते और अपना वो पूरी वो बताते थे कि हमें बहुत परेशान किया करते थे अंग्रेज लोग लेकिन हम सुभाष चंद्र बोस के उस देश प्रेम से की भक्ति से जागृत होकर और हमने संघर्ष किया फिर हमें जेल में 7 साल तक जेल में रखा और वहाँ से फिर लाल किले जेल में उनको शिफ्ट कर दिया गया और लाल किले से फिर वो देश 1947 में आज़ाद हुए तब उनको छोड़ा गया
गांव में वो आए थे, डाडी बधी हुई थी, कोई गांव वाले ये सोच रहे थे भाई 7 साल तक वो नहीं आए, हो सकता वो खत्म हो गए होंगे, लेकिन वो उनको किसी ने पहचाना नहीं। फिर कहा ये भोजराज सिंह जी आए, उन्होंने पूरी कहानी बताई कि मैं 7 साल तक संघर्ष देश के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर करता रहा और अब मुझे देश आज़ाद होने पर छोड़ा गया है। फिर यहाँ उन्होंने इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और 1972 में उन्हें देश के स्वतंत्रता संग्राम के 25वें वर्ष पर 25 साल बाद में उन्हें पूरे देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें ताम्र पत्र से सम्मानित किया गया था। उसमें भोजराज सिंह जी को भी ताम्र पत्र से इंदिरा गांधी ने सम्मानित किया ताम्र पत्र देकर, और 1973 से उनकी पेंशन चालू की। उसके बाद में शुरू में शायद 50 रुपये से मिलते थे और धीरे धीरे वो पेंशन चालू हो गई। गरीब किसान परिवार से थे, काफ़ी गरीब थे, इनके छोटे छोटे बच्चे थे, वो खेती का काम ही करते हैं और गांव के बाहर इनका वो मकान है, इनको कोई आज तक सहायता नहीं मिली थी। और उस टाइम मेरी पत्नी सरपंच थी, उस समय इनके ग्रेवल रोड मैंने बनवाई, पानी का सिंगल पॉइंट ही इनके पास में किया था जो अभी बंद पड़ा है, पानी की दिक्कत है। इस परिवार को गवर्नमेंट से कोई सहायता नहीं मिली, संघर्ष देश के लिए किया। हमारे पास में यह गाठवा ग्राम है, वहाँ स्वतंत्रता सेनानी स्कूल का नाम है। मोंडवाड़ा सीकर जाते हैं तो मोंडवाड़ा रास्ते में आता है, वहाँ लादूराम जी जोशी थे, उनका सीनियर स्कूल का नाम स्वतंत्रता सेनानी के नाम से है। तो काफ़ी इन्होंने हमसे वार्ता की, भाई स्वतंत्रता सेनानी अपने गाँव के लिए एक बहुत बड़ा नाम है पूरी तहसील में, तो उनका नाम स्कूल के नाम से होना चाहिए। तो 3-4 साल से इन्होंने काफ़ी एप्लीकेशन दी, इनको लिख के दे दिया भाई हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, उनका स्कूल में नाम होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज इस गांव में नई कर्मोन्नत नई विद्यालय नया भवन बन रहा है, पूरे गाँव वासियों ने सब ने लिख के कहा भाई कि इनका नाम स्कूल का होना चाहिए स्वतंत्रता सेनानी के नाम, क्योंकि अगर स्वतंत्रता सेनानी का नाम होगा तो बच्चों को प्रेरणा मिलेगी और उनका होगा देश की लड़ाई के लिए अपने गांव से भी योगदान रहा है। दुर्भाग्य है क्यों नहीं हो रहा है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, राम राम जी। राम राम सर, राम राम सर। भारी जाओ सरपंच जी बोल रहे हो के? हाँ, भारी जाओ बोलो। अन्य मतलब पीने पानी भी कौन मिल रहे हो? नहीं मैडम, देखो बात ऐसी है, पानी के लिए सरकार ने इनके वो सिंगल पेज ट्यूबवेल लगाया था, उससे काम चल रहा था। अब सिंगल पेज ट्यूबवेल में बिल इनको भी भरना था, हुआ क्या इन्होंने बिल नहीं भरा और अपने आप इन्होंने कनेक्शन कटवा दिया। आज भी सिंगल पेज ट्यूबवेल की मोटर इनकी लगी हुई है वहां पर, तो उसका तो समाधान वो था। रास वाले इनके नाम, वो नाम चाहते ना स्कूल में नाम लिखवाना, वो गवर्नमेंट की कार्रवाई है। दूसरी इनके परिवार में क्या है, स्कूल में इनका एक दूसरा परिवार है जिनने स्कूल के लिए भूमि डोनेट की थी, तो अब आपस में परिवार भाई भाई आपस में जब लड़े ने तो ऐसा ही मतलब वो काम होने होता नहीं है। गांव में कोई मैं तो बारह आया हूँ, तो कहीं ग्राम स्तर की देखो ग्राम सभा को मुद्दा है, आपने व्यक्तिगत काम तो कोई है को नहीं, एक को भाई जी समझा हूँ, गांव में विवाद कोई चीज को जाए ने जब दिन आप सरलता सुकर कौन सका। अब मारे जी की स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, आप देखिए वो तो 1,02,80,00,000 रुपया सो, आप भी करीबन 4 साल से विवाद में चल रही है। 4 साल में को बजट आइड पड़े है, बड़ी मुश्किल से आपको इस पूरा गांव का लोग इकट्ठा हुए स्कूल ने चालू कराई, तो आगे आपस को पारिवारिक जो विवाद है देखो वो बिन पंचायत इन्वॉल्व न तो हो सके न वो आपस में मिटे। परिवार ही आपने शिक्षा अधिकारी ने एप्लीकेशन दे में लिए भाई नाम नहीं लिखा जाए, चारो आंगली पांचो आंगली साथ में होंगे ना जना वो काम होगा अपने बस में कोनी आ चीज नहीं, वो तो सही है पर फिर भी थे कभी आके परिवार में मिलिया की भाई परिवार में के दुख है दुविधा चल रही है, एक मुरब्बो भी मिले रहो परिवार में तो ठीक सुंदर जी मिल जाए मिलता है ना परिवार में, बस कौन सी बात कर रहा हूँ, और तो सुंदर जी पूरा सहयोग करेंगे इसमें बात। ठीक है जी, धन्यवाद। रिक्वेस्ट करूंगी जो वीडियो है इन शेयर जरूर करियो, और जो आपने प्रेम सिंह जी बाजोर जी ही वीडियो शेयर करोगा तो कि बात तक यो वीडियो पहुंचेगा तो केबरो जो परिवार का लोग है ज्यादा में ज्यादा लाभ है वो मिल सकेगा।